हे गाइस, हाउ आर यू। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं गई हुई थी अपने बेटे के स्कूल फेस्ट में। लाइन देखिए कितनी लंबी है, और ये मेरे हाथ में वो ये पास हैं जिनसे हमारी एंट्री होनी थी। और ये यहाँ पर मेरे साथ मेरी दीदी की बेटी आई थी। OMG, लाइन देख रहे हो आप यहाँ पर, इतनी लंबी लाइन। फाइनली आधा घंटा लाइन में खड़े होने के बाद हमारा नंबर आ गया था, और हमने गेट से जैसे ही एंट्री करी तो यहाँ पे जो मेरे हाथ में पास थे वो हमें मैम को देने थे, तो मैंने मैम को दिए ये अपने पास। तो उन्होंने इसमें से हाफ रख लिया, फिर हमने की स्कूल में एंट्री। तो ये है मेरे बेटे युवराज का स्कूल, अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। वैसे भी हम ऑलरेडी लेट थे, 9:30 का टाइम था, तो हम एंट्री करते करते हमें 11 ही बज गए थे, तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और हमने एंट्री करी साइंस के एग्जीबिशन की तरफ। ये सब देखिए, जो ये क्रिएटिविटी है ये सब बच्चों ने ही की हुई है, जो कि वॉल्स पे लगी हुई हैं। तो ये देखिए, जो यहाँ पे ये बच्चे हैं खुद सिंगिंग कर रहे थे एंड खुद का ही ड्रम्स बजा रहे थे, बड़ा सुंदर उन्होंने म्यूज़िक प्ले किया। और फिर हम नेक्स्ट रूम में गए तो यहाँ पे साइंस का था सारा। बच्चों ने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हुई थी कि देखने में इतना मज़ा आ रहा था और मन भी लग रहा था। बच्चों ने खूब अच्छे से मेहनत करी हुई थी, वो देखने से पता चल रहा था कि कितना बच्चों ने मेहनत की है। यहाँ पे रॉकेट बनाए हुए थे। नेक्स्ट हम फिजिक्स की तरफ गए तो ये था सौर ऊर्जा का, बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। और ये अर्थक्वेक के लिए, मतलब बच्चों ने इतनी मेहनत कर रखी थी और इतनी क्रिएटिविटी के साथ उनको प्रिपेयर किया था कि बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। फिर हम नेक्स्ट चल दिए डांस सेक्शन की तरफ, और यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे जो थे, मैं निकला गाड़ी लेकर, सॉन्ग पर परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो देख के तो बड़ा मज़ा आया उनको। फिर उसके बाद हमने एंटर किया फूड सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे जंक फूड के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो हमने एक एक करके सबको एक्सप्लोर करना शुरू किया। यहाँ पर मैंने देखा कि छोटे बच्चों के लिए कोई भी फूड सेक्शन अलग से नहीं था जिसको बच्चे इजीली खा सकें। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे पेटीज़ बाय करी, क्योंकि इसमें मिर्ची नहीं होती है, तो ये यहाँ पर अपनी पेटीज़ इंजॉय कर रहा था, तो साथ के साथ हमने भी थोड़ा सा खा लिया। फिर उसके बाद हम चल दिए नेक्स्ट ग्राउंड की तरफ, तो यहाँ पर भी स्टॉल्स लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी, गेमिंग का भी सेक्शन था वहाँ पर, तो हमने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी खाने के बहुत सारे आइटम थे, तो मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ से आइसक्रीम के लिए टोकन परचेस किया। फिर उसके बाद मैंने टोकन लिया, उसके बाद मैं आइसक्रीम दिलवाई उसको, वो अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहा था। तो फिर हमने अपने लिए 2 बर्गर्स का ऑर्डर दिया था, तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी और यहाँ पर हमारे बर्गर्स रेडी थे, तो मैंने यहाँ पे फिर उनसे चटनी के लिए बोली थी, क्योंकि उन्होंने चटनी नहीं दी थी। तो हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, मैं भी और चीकू भी अपने बर्गर, तो खाने में तो टेस्टी थे क्योंकि बच्चे नहीं प्रिपेयर कर रहे थे, उनके साथ प्रिपेयर करने वाले थे। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर क्रिएटिविटी थी जो बच्चे क्लासरूम में बनाते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया, फिर हम चल दिए फूड सेक्शन की तरफ, फिर हमने यहाँ पे गोलगप्पे का लिया टोकन, फिर हमने खाना शुरू किया। मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे तो फिर मैंने नहीं खाए, फिर यहाँ पे चीकू भी इंजॉय कर रही थी, उसको ठीक लगे तो वो खा रही थी। फिर मैंने दोबारा यहाँ पे आइसक्रीम के लिए टोकन लिए, फिर मैंने यहाँ पे आइसक्रीम ली क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी तो आइसक्रीम खाने का मन था। यहाँ पे ये दोनों बैठ गए थे क्योंकि युवराज थक गया था बहुत चलाता, तो फिर मैंने इसको गोद में उठा लिया। तो फिर हमने एग्जिट किया बाहर की तरफ। तो आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।